आज 13 सितंबर 2023 चारशंबे को दोपहर रॉयल पैरामेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज बहादुरपुरा में सीएम से इजहार तशक्कुर प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी के तौर पर वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिका रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर मौलाना सईद अफसर निजामी और दीगर मौजूद थे और तमाम कॉलेज के 400 तालिबे इल्म व तलबा तालिबात स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि सीएम केसीआर ने मेडिकल एजुकेशन में तारीख लिखी है, सीएम का अहम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआओं से नवाजा। एडवोकेट वहीद अहमद ने साबिका रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना अपने बयान में कहा है कि 2014 से पहले 67 सालों में तेलंगाना में सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे। 8 सालों में केसीआर हुकूमत ने हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज कायम किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का ख्वाब जल्द ही हकीकत बन जाएगा और सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया। हुकूमत की तरफ से तमाम अजला में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने की पहल से तालीमी इनकलाब बरपा होगा और मेडिकल में रोजगार के रास्ते हमवार करने के लिए बस्ती दवाखाने कायम करते हुए बड़े पैमाने पर तकर्रात भी किए। इससे इंशाल्लाह हर घर में एक डॉक्टर बनेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अल्लाह ऐसा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह आप भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक है आपका, तो हम यहाँ केसीआर साहब को थैंक्स करने के लिए जमा हुए, तो इंशाल्लाह अपन उनको थैंक। केसीआर साहब जिंदाबाद, 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 केसीआर साहब जिंदाबाद। हाजिर है, उन्होंने भी केसीआर साहब का शुक्रिया अदा किया है और केसीआर साहब के पोस्टर को दूध से भी लेना है। हम केसीआर साहब के शुक्र गुजार हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर हमारी रियासत को बीमारियों से पाक करने के लिए, एक सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए, एक तरक्की याफ्ता तेलंगाना बनाने के लिए जो आपने बेड़ा उठाया उसमें हम सब आपके साथ हैं। इंशाल्लाह केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपको हम यहाँ नहीं बल्कि मुल्क की कमान आपके हाथ में देखना चाहते हैं, हम आपको मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हैं। आप आगे बढ़िए, ये तलबा आपके साथ हैं, ये तलबा आज से नहीं बल्कि तेलंगाना तहरीक से आपसे जुड़े हैं। इंशाल्लाह आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे और केसीआर साहब के बहुत ही ममनू और मशहूर है जिन्होंने 2014 तक 67 सालों में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने यहाँ पर हुकूमत की, सिर्फ 5 नए मेडिकल सरकारी कॉलेजेस बनाए थे, हॉस्पिटल्स कायम किए और जहाँ पर टेस्टों की फ्री सहूलत दी जा रही है, हम आपके बेहद ममनू मशकूर हैं। और मैं यहाँ के जिम्मेदारान कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद साजिद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके तमाम साथियों का और इनके तलबा का मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे केसीआर साहब के इस प्रोग्राम को सहराया, ना सिर्फ सहराया बल्कि उनको थैंक्स कहा। मैं आप तमाम से दुआओं का तलबगार भी हूँ और आपके से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमारी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को अपनी दुआओं से नवाजेंगे और उनका साथ देंगे और ये रियासत आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सेहतमंद रियासत बनेगी, एक गोल्डन तेलंगाना बनेगा और ये सुनहरे तेलंगाना की तरफ बिल्कुल हम कामजन हैं और हमारी रियासत के वजीर आला की जैसे इसकी मात है दूसरे स्टेट्स भी इसको अपना रहे हैं और हमारी मुल्क की आवाम चाहती है कि केसीआर साहब जैसा कायद हमारे मुल्क का वजीर आजम बन जाए। मैं आप तमाम माशाल्लाह ना सिर्फ हजारों की बल्कि आने वाले दिनों में तेलंगाना रियासत में लाखों तो डॉक्टर्स रहेंगे और मैं समझूंगा तेलंगाना हमारी रियासत एक सेहतमंद रियासत रहेगी और तमाम बीमारियों से पाक रहेगी। और इन तमाम बच्चों का मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने केसीआर साहब से उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका थैंक्स अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए। मैं कॉलेज के जिम्मेदारों का भी बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने इस काम की सताइश की और इस काम को जैसे मैंने इनसे कहा उन्होंने हमारे साथ आवाज उठा कर करके बिल्कुल करेंगे। बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल हमारे सीएम साहब का ये डिसीजन है,
इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और ये सीएम साहब को शुक्र अदा करने के लिए यहाँ के जिम्मेदार जो प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद साफी साहब हमारे साथी भी है एडवोकेट भी है उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में सीएम साहब का शुक्र अदा करने के लिए आवाज बुलंद की और तलबा को भी कहा कि बिल्कुल हमें आगे बढ़कर ऐसे मेडिकल के लिए काम करने वाले सियासतदानों का शुक्रिया अदा करना जरूरी है और तलबा ने भी उनके साथ आवाज लगाई और सब लोग यहाँ पर के सी आर साहब का थैंक्स देने के लिए जमा हुए। मैं भी खुशन हमारी रियासत के वजीर आला कलबतुल्ला चंद्रशेखर राव साहब से तशक्कुर करता हूँ। इन्होंने तालीम की तरफ जो तालीम का बेड़ा उठाया बड़े पैमाने पर तालीम खिलाफ जो बर्पा पड़ा है टिमरी से स्कूल की शक्ल में लाखों की तादाद में बच्चों को तालीम दी जा रही है। इंशाल्लाह वही बच्चे भी इन मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, न सिर्फ अपने आप को संवारेंगे बल्कि अपने घर को संवारेंगे, अपने खानदान को संवारेंगे और रियासत को भी संवारेंगे। इंशाल्लाह रियासत भी बहुत ही तरक्की याफ्ता रियासत की तरफ गामजन है और हमारा ये जो स्टेट है तेलंगाना स्टेट या गोल्डन स्टेट की तरफ जा रहा है। मैं तमाम का आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप रियासत के वजीर आला कलबतुल्ला चंद्रशेखर